हेलो गाइस, वेलकम टू आवर हाईलाइट सीरीज़। होप आप सब अच्छे होंगे घर पे। तो आज हाईलाइट सीरीज़ हम लोग फर्स्ट चैप्टर की करेंगे, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, व्हाट इज़ लिविंग, हम लोगों ने पहले ही सब कुछ पढ़ लिया। इसको हम लोग आज फास्ट फॉरवर्ड में, यानी कि छोटे 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 जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हम लोग इसमें पढ़ते जाएंगे बस। ओके, तो पहला है ग्रोथ, जो हमारा डिफाइनिंग फीचर नहीं है। फिर रिप्रोडक्शन, वो भी हमारा डिफाइनिंग फीचर नहीं है। क्यों नहीं है रिप्रोडक्शन? क्योंकि वर्कर भी होती है, वो स्टराइल होती है, बट वो लिविंग बींग है। इनफर्टाइल पेरेंट्स भी होते हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, बट देन ऑल्सो दे आर लिविंग। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट ट्रियो। रीजनरेशन में क्या एग्जाम्पल था? प्लेनेरिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बडिंग में हाइड्रा एंड ईस्ट। फ्रेगमेंटेशन और क्या था, फिर आलगे, प्रोटोजोआ, ऐसा सब था कुछ। उसके बाद से मेटाबॉलिज्म डिफाइनिंग फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। यस, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर केमिकल रिएक्शन जो भी होती है बॉडी में उसको क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म। ओके, फिर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी हमारा डिफाइनिंग फीचर है, और कॉन्शियसनेस, वो भी हमारा डिफाइनिंग फीचर है। मतलब जो एनवायरमेंट और लिविंग बींग के अंदर कुछ भी एक्सचेंजेस होती है वो हमारे कॉन्शियसनेस में आ जाएगी। तो जैसे स्टिम्युलाई कुछ भी एनवायरनमेंट की तरफ से आई, वो अगर ह्यूमन या लिविंग बींग को फील होती है, मतलब कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ओके, तो चलो आगे चलते हैं। डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, तो नोमेनक्लेचर है सबसे पहले। नोमेनक्लेचर हम लोगों ने पढ़ा था, किसी का भी हम लोग स्टैंडर्डाइज द नेम ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सच दैट अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नोन एज नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर में क्या होता है? तो नोमेनक्लेचर मतलब कि नाम रखना है हमें किसी भी ऑर्गेनिज्म का, लेकिन किस तरीके से? साइंटिफिक नेम रखना है। ओके, ईच नेम्स के दो कॉम्पोनेंट होते हैं, बताया था। पहला जो होता है वो होता है जीनस, और जो दूसरा होता है वो स्पेसिफिक एपिथेट या स्पीशीज। ओके, तो ये जो दो भाग में नाम रखते हैं इसको क्या बोलते हैं हम लोग? बायोनोमियल नोमेनक्लेचर। ये किसने दिया है? तो कार्लस लिनस ने। तो एग्जांपल में हम लोग मैंगो लेते हैं, जिसको क्या बोलते हैं साइंटिफिक नेम में? मैंगीफेरा इंडिका। फर्स्ट नेम होता है जीनस, दूसरा जो सेकंड नेम होता है वो हमारा स्पेसिफिक एपिथेट। ओके, चलो आगे चलते हैं। रूल्स, जो यूनिवर्सल रूल्स हैं हमारे बायोनोमियल नोमेनक्लेचर के लिए, वो पढ़ लेते हैं। ये मैंने बहुत शॉर्ट में लिखा है, तो इस हिसाब से भी याद रहता है, तो एमसीक्यूज पर्पस के लिए ये परफेक्ट है। ठीक है, साइंटिफिक नेम शुड बी रिटेन इन लैटिन लैंग्वेज। ओके, फर्स्ट नेम इज जेनेरिक नेम एंड सेकेंड नेम रिप्रेजेंट स्पीशीज, जब भी मैंने बताया आप लोगों को। इफ साइंटिफिक नेम इज रिटेन इन हैंड रिटन, इट शुड बी अंडरलाइन और प्रिंटेड इन इटैलिक। अगर हम लोगों ने हाथ से कोई भी, जैसे कि मैंने लिख दिया अभी मैंगीफेरा, ओके इंडिका, तो मुझे क्या करना होगा? इसके नीचे एक अंडरलाइन करनी होगी अगर मैंने हैंड रिटन लिखा हो तो। ठीक है, या फिर मुझे इटैलिक में इसको प्रिंट कराना पड़ेगा। फर्स्ट कंपोनेंट का जो हम लोग लिखते हैं वो कैपिटल में हम लोग को लिखना है, और जो सेकंड है वो हम लोग को स्मॉल में लिखना है। यानी कि जब मैंने जेनेरिक का स्टार्ट किया तो मुझे एम बड़ा लिखना होगा, और स्पीशीज़ का स्टार्ट किया तो मुझे आई छोटा लिखना होगा। ठीक है, और लास्ट पॉइंट हमारा है कि बायोनोमियल, अगर नोमेनक्लेचर लिखते हैं हम लोग, जैसे कि मैंने अगर लिखा मैंगीफेरा इंडिका, तो मुझे इसके आगे जो भी साइंटिस्ट होगा उसका एब्रीवेशन डालना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं। आगे हमारा है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन मतलब कि हम लोग को कोई भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग चीज़ है उसको हम लोग अगर डिवाइड कर दें और देन उसकी हम लोग स्टडी करें सिंपल मैनर में, तो उसको हम लोग क्लासिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, टू स्टडी इन ईजी मैनर क्लासिफिकेशन इज़ रिक्वायर्ड। ओके, ईजी मैनर में हमें पढ़ना है तो हमें क्लासिफिकेशन करना ज़रूरी है। क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पर करते हैं हम लोग? तो सिमिलैरिटीज़ और डिसिमिलैरिटीज़ देख के। ठीक है, फिर टैक्सोनॉमी क्या होता है? क्लासिफिकेशन की प्रोसेस को हम लोग
टैक्सोनॉमी बोलते हैं। ओके, तो टैक्सोनॉमी क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इन डिफरेंट टैक्सा। दिस प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी। ठीक है, तो जो हम लोग टैक्सा जिन लोग क्लासिफिकेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट टैक्सा, हाँ, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? टैक्सोनॉमी। दिस ब्रांच ऑफ स्टडी वॉज रिफर्ड टू ए सिस्टमैटिक। अब सिस्टमैटिक क्या होता है, पढ़ा था हम लोगों ने। सिस्टमैटिक हम लोग मतलब अरेंजमेंट, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो उसको सिस्टमैटिक बोलते हैं। और लिनस ने यूज़ किया था सिस्टमा नेचरा, अपनी जो टाइटल रखी थी अपनी पब्लिकेशन की उन्होंने। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी मोस्ट आस्क क्वेश्चन है, हम लोगों ने किया था कल के PDF में, तो उसमें ये था क्वेश्चन। ठीक है, चलो अब आगे। यस, टैक्सोनॉमी कैटेगरी, टैक्सोनॉमी कैटेगरी। तो इसके अंदर हमें पता है कि हमें यहाँ पर स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, डिवीजन और किंगडम के बारे में पढ़ना है। ठीक है, दिस ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट इज कॉल्ड टैक्सोनॉमिक हायरार्की। हायरार्की हम लोगों ने बताया था सीढ़ी जैसी होती है, जस्ट स्टेयर। ओके, स्टेयर पर हमें चढ़ना है धीमे धीमे। ओके, टैक्सोनॉमिक स्टडी ऑफ ऑल नोन ऑर्गेनिज्म हैव लीड टू डेवलपमेंट ऑफ कॉमन कैरेक्टर सच एज किंगडम, फाइलम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। इसकी मैंने तुम लोग को ट्रिक भी दी थी कि डी क्ला ओ फे जी स, की डी क्लाओ फे जी स। तो ये कैसे मैंने ट्रिक दी थी, ऐसे मतलब कि ऐसे जाती वक्त। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं। तो हम लोग इसमें ये भी देख लेते हैं कि स्पीशीज का ग्रुप होता है उसको हम लोग जीनस बोल सकते हैं, जीनस का ग्रुप को हम लोग रिलेटेड, क्लोज रिलेटेड को फैमिली बोल सकते हैं, उससे थोड़े रिलेटेड को हम लोग ऑर्डर बोल सकते हैं, उससे थोड़े रिलेटेड को हम लोग क्लास बोल सकते हैं, ऐसे ही फाइलम बोल सकते हैं, और सबका सब कोई किसके अंदर आता है, तो किंगडम के अंदर आता है। ठीक है, किंगडम कितने होते हैं? दो किंगडम होते हैं, प्लांटे एंड एनिमेलिया। अब एनिमेलिया के अंदर बहुत सारे फाइलम आएंगे, बहुत सारे फाइलम्स के अंदर क्लास आएंगे, क्लास के अंदर ऑर्डर आएगा, ऑर्डर के अंदर फैमिली आएगी, फैमिली के अंदर जीनस आएगा, एंड एट द एंड सबसे लास्ट में बेसिक क्या है हायरार्की की, स्पीशीज। ठीक है, होप दिस मच इज़ क्लियर फॉर यू गाइस। ओके, आगे चलते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे टैक्सोनॉमिक एड। इसका तो शॉर्ट नोट मैंने पहले भी दिया था और अभी भी सेम वही रहेगा। ठीक है, टैक्सोनॉमिक एड्स। हर्बेरियम यानी क्या होता है? अ सिस्टमैटिक अरेंजमेंट कलेक्शन ऑफ अ सिस्टमैटिकली अरेंज कलेक्शन ऑफ ड्राइड प्लांट। इस ड्राइड प्लांट को क्या करते हैं, बाद में प्रेस करते हैं और देन उसको शीट पे अरेंज कर देते हैं। इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन दी होती है? डेट दिया होता है, फैमिली दी हुई थी, कौन से फैमिली से वो प्लांट बिलोंग करता है, फिर क्या उसके बॉटनॉमिकल नेम है, लोकल नेम है और साइंटिफिक नेम है, सब कुछ ये सब हर्बेरियम शीट में हमें मिल जाता है। ठीक है, फिर बॉटनिकल गार्डन एंड एस्टैब्लिशमेंट वे प्लांट्स को यहाँ पर ग्रो करते हैं साइंटिफिक स्टडी के लिए और पब्लिक को डिस्प्ले भी करते हैं। हम लोगों ने कितनी बार प्लांट्स के एग्जीबिशंस में गए होंगे, ऐसा कि ना नए नए प्लांट्स की एग्जीबिशन लगी है, और मोस्टली ये बच्चे जो बोटनी पढ़ते हैं वो बोटानिकल गार्डन मोस्टली जा चुके होंगे, जाते हैं। ठीक है, फिर अब हमारा म्यूज़ियम। म्यूज़ियम क्या होता है? जैसे कि हम लोग पुरानी चीज़ें, राजा रानी की पुरानी चीज़ें देखने जाते हैं, वैसे ये किसका म्यूज़ियम है? कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व्ड प्लांट एंड एनिमल स्पीशीमेंस फॉर स्टडी एंड रेफरेंस। ओके, फिर जूलॉजिकल पार्क यानी आप जू सोच सकते हो, वाइल्ड एनिमल कीप्ड इन प्रोटेक्टेड एनवायरमेंट अंडर ह्यूमन केयर। ह्यूमन की केयर में जो हम लोग वाइल्ड एनिमल को रखते हैं उनका ध्यान रखने के लिए वहाँ उसको क्या बोलते हैं? जूलॉजिकल पार्क। और इसका हम लोग ले सकते हैं एग्जाम्पल जैसे कि जू। ठीक है, फिर की आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिमिलर एंड डिसिमिलर एनिमल्स एंड प्लांट्स, मतलब ये कैरेक्टरिस्टिक्स बताता है, आइडेंटिटी बताता है, तो क्या होगा वो हमारा की होगा। इसके रिलेटेड भी हम लोगों ने कल क्वेश्चन देखे थे। ओके, सो यहाँ पर हमारा चैप्टर ख़त्म होता है, हाईलाइट हमारी सीरीज़ ख़त्म हो गई यहाँ पर। शायद आप लोग को ये अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा,
अगर लास्ट मिनट स्टडी करनी है होती है तो उस वक्त पर हाईलाइट सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो आप लोग इसको सेव कर रख सकते हो बाद में देखने के लिए, या फिर 2x की स्पीड पे आप लोग इसको चला सकते हो। वैसे ही बहुत स्पीड थी, 2x की स्पीड पे चलाओगे तो कॉमेडी हो जाएगा। चलो तो इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ये नीट 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो एक बार देख लेते हैं, ठीक है। सिलेक्ट द करेक्टली रिटन साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो विच वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय कार्लस लिनियस। ओके, ऑप्शन ए मैग्नीफेरा इंडिका, ऑप्शन बी मैग्नीफेरा इंडिका कार्लीन, मैग्नीफेरा इंडिका लीन, मैग्नीफेरा इंडिका। अब इसमें से क्या ऑप्शन सही है वो मुझे बता दीजिए। 5 सेकेंड्स आपके पास। ओके, गो। ओके, तो सब लोगों ने अपने अपने आंसर कमेंट में लिख दिए होंगे, तो इसका सही आंसर मैं आपको बताती हूँ। इसका सही आंसर है सी, मैग्नीफेरा इंडिका। ये तो हम लोगों ने देखा पहले, तो ये तो गलत ही है क्योंकि दोनों कैपिटल है, तो चलो भाई ये रॉन्ग है। लास्ट वाला भी दोनों कैपिटल है, हाँ तो मैंने यहाँ पर छोटा वाला ही आएगा, ठीक है, ये छोटा वाला ही ले लेना, तो ये सही हो सकता है। यहाँ पर मैग्नीफेरा इंडिका कार लीन लिखा है, कार और लीन दोनों, ये भी नहीं हो सकता। लास्ट वाला भी नहीं है क्योंकि एब्रीवेशन ही है ना इसके अंदर, तो यहाँ पर हमारा परफेक्ट कौन सा है, मैग्नीफेरा इंडिका और आगे लीन जो हम लोगों ने एब्रीवेशन में पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन हो गया, इसका आंसर है सी। ऐसे और क्वेश्चंस आपको देखने हो तो इससे पहले वाली वीडियो देखिएगा, मैंने लिंक में PDF डाली है कल की, जो हम लोगों ने क्वेश्चन किए थे, अराउंड हमने कितने क्वेश्चन, 60 क्वेश्चंस किए थे, उसके मैंने PDF नीचे लिंक में डाल दी है। आपको अगर वो वापस देखना हो तो आप जाके वहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। तो इतना आज के लिए बहुत है, यहाँ पर हमारी हाईलाइट सीरीज़ ख़त्म होती है। कल से हमारा सेकेंड चैप्टर अब चालू होगा, प्लान क्लासिफिकेशन। ओके, सो थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए। सब्सक्राइब कर देना चैनल को नए हो तो, लाइक करना वीडियो अच्छी लगी हो तो, कमेंट करना जो भी इससे पहला जो क्वेश्चन था उसका आंसर, एंड इवन आपको कोई डाउट हो तो वो भी ज़रूर करिएगा, ठीक है। फिर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनको भी मदद मिलेगी थोड़ी, हाँ। ओके, सो अच्छे से घर पे रहना, पढ़ाई करना, बाय बाय, स्टडी हार्ड गाइज, बाय।